नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयहो एकेडमी में। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हमारा ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोज आ चुके हैं जिनमें हमने MPPSC मेंस के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में आपको विस्तार से बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है। उसी सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने MPPSC प्री बुक लिस्ट का भी एक वीडियो अपलोड किया है और साथ में MPPSC सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में एक संपूर्ण चर्चा भी आपसे की है। ठीक है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप थर्ड वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले हमारे 3-4 वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं उनको ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं टॉपिक पे कि MP मेंस के लिए, PSC के लिए पेपर 3 में आपको कौन कौन सी किताबें प्रेफर करनी है। हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आप इतना बता रहे हो, इतना सारा पढ़ना है। बिल्कुल, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे कम में काम होने वाला है नहीं। हमने अननेसेसरी आपको कुछ भी नहीं बताया है, सारा कुछ आपके लिए नेसेसरी है और ना ही हम अननेसेसरी किसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियोज़ लाने वाले हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको क्लियर, सही व सटीक जानकारी देना और इसी पे हम चलने वाले हैं। हमारे जो वीडियोज़ होंगे वो केवल उन टॉपिक्स पे होंगे स्पेशली जिनका मैटर या तो इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में या फिर किसी एक बुक में नहीं है। जो टॉपिक करेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए अपडेटेड वर्जन चाहिए तो वो अपडेट करके हम आपके सामने लाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट MPPSC 2019 पे ही फोकस करना है, उसी पे हमारे सारे वीडियोज होंगे उसी को टारगेट करके। इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, आप अभी काफ़ी टाइम है मेंस के लिए, काफ़ी टाइम है प्री के लिए, आप आराम से रिलैक्स रहिए, चल रही है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तभी आप आगे लय में आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। पेपर थर्ड में जैसा कि पार्ट वन पार्ट सेकंड आपके दो पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो है साइंस, जनरल साइंस है आपका। चलिए आपको बता दें, जनरल साइंस है आपका। जनरल साइंस के लिए आपको 9th 10th NCERT, इसके अलावा आप लूसेंट साइंस भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, 9th 10th NCERT तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपकी जनरल साइंस के टॉपिक ऑलमोस्ट उसमें आपके कवर हो जाएंगे, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा साइंस के बारे में। अगला अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो मैथमेटिक के जो जनरल चैप्टर हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज रेशियो, परसेंटेज वगैरह, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना है नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। RS अग्रवाल ले लीजिए आप, उससे आप इन चैप्टर्स पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसके बाद ये तो हो गया साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आपके पेपर थर्ड के पार्ट वन का अगला टॉपिक है सिलेबस का। इसके लिए आप मैग्रा हिल्स का पब्लिकेशन उसको प्रेफर करें, साथ ही साथ दृष्टि मैगजीन का एक विशेषांक भी आता है, आप उसको लीजिए। दृष्टि मैगजीन के विशेषांक में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, आपके उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका एक और पार्ट ऐड होता है भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट, इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, इनके हम वीडियोज लाएंगे। वीडियोज़ का पर्पज यही रहेगा कि आपको सही व सटीक जानकारी देना, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा ऊर्जा एनर्जी जो आपका टॉपिक है पेपर थर्ड में, उसके भी हम वीडियोज़ लाएंगे। और जो पर्यावरण, बेहद इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका पर्यावरण, इसके लिए आपको मैंने परीक्षावाणी पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ कि पर्यावरण के लिए आप परीक्षावाणी की बुक लें, उससे आप इसके सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें। तो ये था हमारे पेपर थर्ड का पार्ट वन का। अब आते हैं पार्ट सेकंड पे कि पार्ट सेकंड में क्या है। पार्ट सेकंड में जो है आपका वो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है इसमें आपकी। ठीक है, इसमें इकोनॉमी के सारे टॉपिक कवर होंगे आपके। इसके लिए मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूँगा, कम से कम आपको इनको तो पढ़ना ही होगा तभी आप इकोनॉमी पे अपनी पकड़ बना पाएंगे MPPSC मेंस के लिए। तो इकोनॉमी में आपको पढ़ना है NCERT 11th की, काफ़ी अच्छी बुक है, पढ़िएगा, बेसिक आपका पूरा क्लियर होगा। NCERT के अलावा रमेश सिंह की किताब, रमेश सिंह की बुक पढ़िएगा अर्थव्यवस्था की। उसके बाद परीक्षावाणी के अलावा प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक,
चार मैंने आपको बुक्स बताई हैं जिसमें आपके पेपर थर्ड के पार्ट सेकंड का टॉपिक कवर होता है, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है इकोनॉमी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11th एनसीईआरटी, रमेश सिंह, परीक्षा वाणी और प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक, ये चार बुक मैंने आपको बताई, ठीक है। इसमें और जैसे कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं इसी में ऐड होते हैं, मध्य प्रदेश मंद औद्योगिक विकास के कारण, इसके अलावा सहकारिता आंदोलन, इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वता, मध्य प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या महत्वता है, ये तीन टॉपिक आपके हम वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट सेकंड का इकोनॉमिक्स के बारे में। आपको बता दें कि जो पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स है मोस्टली करंट पे बेस्ड है, ठीक है। योजनाएँ हैं जितनी सब आपके, ऑलमोस्ट ये टॉपिक करंट पे बेस्ड है, अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। इसके लिए आप घटनाचक और दृष्टि मैगजीन, ये आपको रेगुलर पढ़ना ही है, ठीक है, ये आपको रेगुलर पढ़ना है। जब आप इन चार बुक्स को पढ़ लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आप आसानी से कैच कर पाएंगे कि इकोनॉमिक्स के लिए हमें कहाँ से क्या उठाना है, साइंस टेक के लिए कहाँ से क्या उठाना है। तो ये आज का हमारा एक ओवरव्यू था बुक्स लिस्ट के बारे में, पेपर थर्ड के बारे में, ठीक है। फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि 1 सितंबर से हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें हमने जो आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको 1 सितंबर से प्रोवाइड कराने हम कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम लोग भी काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं कि आपको 1 सितंबर से शुरू करा सकें। अगर उससे पहले वीडियो आ सकता है तो वो भी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो होगा MPPSC मेंस बुक लिस्ट के बारे में, लास्ट वीडियो है वो हमारा इस सीरीज़ का, उसके बाद आपको बुक लिस्ट की सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी, वो है पेपर 4, 5 और 6, इन तीन पेपरों का एक वीडियो होगा जो जयपाल सर आपके लिए लाएंगे, विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आपको कैसे क्या कहां से पढ़ना है। तो ये है आज हमारा टॉपिक, यहीं ख़त्म होता है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, तो जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।